नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। जैसा कि हम सब जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं। उनके भारत दौरे की बढ़ चढ़कर तैयारियां की जा रही है। दीवारों का रंग रोगन हो रहा है, सड़कों की मरम्मत हो रही है, लेकिन इसी के साथ अहमदाबाद से गरीबों को छिपाया जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, उन्हें उनके घरों को खाली करने का नोटिस भी मिल चुका है। अब जो ये विदेशी ट्रंप है, वो हमारे देश के गरीबों के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अब वो कैसे, आपके मन में सवाल आएगा। तो ऐसे कि ट्रंप अहमदाबाद के गरीबों के लिए दुश्मन यूं बन रहे हैं कि जैसे जैसे उनके दौरे का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गरीबों पर घर खाली करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद नगर निगम ने मोटेरा स्टेडियम के पास झुग्गी में रहने वाले परिवारों को घर खाली करने का नोटिस थमा दिया है। मोटेरा स्टेडियम वही है जहां पर ट्रंप पधारने वाले हैं। ट्रंप अपनी पत्नी के साथ 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। सबसे पहले वे गुजरात के अहमदाबाद जाने वाले हैं। इसके लिए झुग्गी बस्तियां खाली करवाई जा रही है। वहां के गरीबों को नोटिस भी थमाया गया। अब झुग्गी में रहने वाले लोगों का कहना है कि जिस प्लॉट पे वे करीब 3 दशकों से रह रहे हैं, उनको कहां जाने के लिए कहा जाए, उनको कहा जा रहा है कि आप एक प्लॉट छोड़कर चले जाए। ये सब हो रहा है आगे होने वाले नमस्ते ट्रंप इवेंट के लिए। नमस्ते ट्रंप वही इवेंट है जिसके लिए वीवीआईपी और वीआईपी लोगों को छोड़कर अन्य जो लोग वहां पर पहुंचेंगे, तो उसमें करीब 1.5 लाख लोगों को 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। क्यों? सिर्फ ट्रंप को नमस्ते कहने के लिए। तो इस कार्यक्रम के लिए गरीबों को भी हटाया जा रहा है, यही कह सकते हैं, क्योंकि सामने से गरीबों के घर खाली करवाए जा रहे हैं। अब जहां गरीबों का कहना है कि उन्हें ट्रंप के दौरे के कारण नोटिस थमाया गया है, वहीं अहमदाबाद नगर निगम का कहना कुछ और ही है। निगम का कहना है कि नोटिस का इस डोनाल्ड ट्रंप वाले इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। यदि ट्रंप अहमदाबाद नहीं आ रहे होते तो भी झुग्गी खाली करवाई जाती। अब 3 दशकों से भी पुरानी है, यहाँ 500 से ज्यादा कच्चे मकान वाली इस बस्ती को हटाकर एमएमसी जो है वो साबरमती नदी के किनारे पर सौंदर्यकरण के तहत खजूर के पेड़ लगाने वाली है। इसके पहले कहा जा रहा था कि दीवार से जो झुग्गी वाला एरिया है उसको छुपा दिया जाएगा, लेकिन अब वो जो छुपाया वो तो ठीक है, वो हटके अब गरीबों को उखाड़ना, मतलब गरीबों को वहां से भगाने का ही प्लान बन रहा है। अहमदाबाद नगर निगम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंदिरा ब्रिज से जोड़ने वाली सड़क पर एक दीवार बना रहा है। इसके लिए कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते पर रोड शो करने वाले हैं। अब इस रास्ते के आइट साइड में, मतलब जो आइट साइड उन्होंने जो दीवार है उस पर ट्रंप की और पीएम मोदी की और भारत की, यूएस की, मतलब ऐसी पेंटिंग भी शुरू कर दी गई है। अभी काम शुरू हो गया है। ट्रंप के लिए भारत दौरे के लिए जो है वो ट्रंप के कारण गरीबों को छुपाया जा रहा है। अगर ये गरीबों को हटाने का कोई समाधान नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गरीब इंसानों की वजह से हमारे देश की जो इज्जत है वो कम होती है, तो ये आपकी सोच गलत है। अगर सिर्फ ट्रंप के दौरे के लिए ऐसा किया जा रहा है तो ये गलत है। अगर इसका कोई समाधान है, गरीबों को वहां से हटाकर कहीं अच्छी जगह दी जा रही है, तो ये बिल्कुल सही है। इससे बेहतर एक चीज ये भी हो सकती थी कि जमीनी स्तर पर गरीबी हटाने के लिए, ना कि गरीबों को हटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए प्रयास करते। अगर ये प्रयास दुनिया की नजरों में आते कि हाँ, भारत ने गरीबी हटाने के लिए, ना कि गरीबों को, गरीबी हटाने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत का सम्मान, भारत का ओहदा बढ़ता। लेकिन अगर सोचिए, ये बात सामने आएगी कि ट्रंप के दौरे के लिए गरीबों को हटाया जा रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ेगा या घटेगा, ये सोचने वाली बात है। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज थिंक के साथ। थैंक यू।